हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को मान यानी कि इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को जो बचा हुआ था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से देखना, गौर से देखना, अच्छे से एक बार समझ लोगे दोबारा धीरे धीरे डेवलपमेंट आ जाएगा, माइंड में डेवलपमेंट आता रहता है। जैसे जैसे आप जितनी बार रीड करते हो उतना डेवलपमेंट आता है। मैंने इसको तो एक वीडियो में बना के भेज ही दिया था ऊपर वाला, यहीं से अब बताना है। हालांकि मैं फिर एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, तो इसको गौर से देखना, कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो सीन वन देखो, हुआ क्या, जब कभी आप स्टोरी पढ़ने जाओ तो पहले चैप्टर का नेम पढ़ लो, पहले चैप्टर का नेम पढ़ लो। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि चैप्टर का नाम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है माई एल्डर ब्रदर। एल्डर, माई मतलब होता है मेरा, क्या होता है मेरा, एल्डर मतलब होता है बड़ा, जैसे तुम्हारे बड़े भैया हैं उनको एल्डर ब्रदर बोला जाएगा। ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, BROTHER, ब्रदर मतलब भाई, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर, अब इसको देखना। अब ये चैप्टर का समरी है, ठीक है, ये चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो, दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद्र टाइटल्ड बड़े भाई साहब। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क, ठीक है। कह रहा है कि दिस इज़ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल, मतलब ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है बड़े भाई, ठीक है। द स्टोरी शोज, और ये कहानी दिखाती है, शो मतलब होता है दिखाती है, दिखाना, दैट कि क्या दिखाती है, एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क, जो एक्सपीरियंस होता है वो हार्ड वर्क की तरह जो है कि इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, अब हम लोग सीन पर, ये बेसिकली एक ड्रामा है, ड्रामा मतलब नाटक जो आप स्कूल में परफॉर्म करते हो उसी से कटा हुआ ये सीन लिया गया है। तो उस सीन को बता रहा है, ऊपर में देखो सीन वन लिखा है, ये सीन वन, ठीक है, इसको अपन लोग पढ़ते हैं। अ हॉस्टल रूम टू ब्रदर एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एक हॉस्टल रूम में, अ हॉस्टल रूम मतलब एक हॉस्टल रूम में दो भाई, टू ब्रदर्स मतलब दो भाई, एज्ड 9 years and 14 years, एक की उम्र 9 साल और एक की उम्र 14 साल है, सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं, ठीक है, एट ए स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पर वो सभी बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई है ना, भैया, उसका नाम भैया है, इज़ रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। एंड यंगर वन, और जो छोटा है वो क्या कर रहा है, वो, उसका नाम है मुन्ना, मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एनिमल्स, वो जो है कि ड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्रॉ मतलब होता है बनाना या खींचना, पिक्चर्स मतलब तस्वीरें एनिमल्स का और बर्ड्स का, एनिमल मतलब जानवर का और पक्षियों का। आगे देखते हैं कहानी को कंटिन्यू करते हुए, मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखना। भैया ये बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, तो भैया कह रहे हैं वॉट मतलब क्या, आर यू डूइंग तुम कर क्या रहे हो, मुन्ना मतलब भैया, मुन्ना से पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। आगे देखो, मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ मतलब मैं चित्र बना रहा हूँ, यानी कि चित्रकला का काम कर रहा हूँ, ठीक है। भैया आप क्या कह रहे हैं, व्हेन विल यू स्टडी, कब तुम पढ़ोगे, व्हेन मतलब कब, विल यू स्टडी, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना, ठीक है, यू मतलब तुम कब पढ़ाई करोगे, ठीक है। वेयर आर यू इन द
मॉर्निंग वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कहाँ थे। वेयर मतलब कहाँ, इन द मॉर्निंग सुबह में, तुम सुबह में कहाँ थे। ठीक है, आगे देखो। मुन्ना टर्निंग पेल, ठीक है। मुन्ना बोलता है अपनी टेबल की कुर्सी जो थी, टेबल पे जो कुर्सी लगी हुई थी उसको घुमाते हुए बोला, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। प्ले मतलब होता है खेलना भैया, ठीक है। मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, ठीक है। अब वो अपने भैया से पूछ रहा, हाउ कैन यू सिट मतलब तुम कैसे बैठ सकते हो विद अ बुक, एक किताब से, फॉर आवर्स टुगेदर, इतने ज़्यादा समय तक, इतने ज़्यादा घंटों तक आप ऐसे किताब के साथ कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, वॉइस की क्वालिटी ठीक होगी मेरे ख्याल से, यही मुझे आशा है। एक